नमस्ते एंड वेलकम टू आर चैनल जस्ट मैरिज सो गाइज आज मैंने लिया हिमालय का हीना जो कि नेचुरल शाइन देता है हमारे हेयर को और इसमें भीमग्राज आंवला करी पत्ता मेथी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देते हैं मतलब कि मजबूत करते हैं हमारे स्कैल्प को और uh, इसे लगाना और इसे बनाना दोनों ही बहुत आसान है इसे जस्ट पैकेट से निकालना है पानी में इसका घोल बनाना है दैट इज़ वेरी इजी आपको इसमें एग दही चाय की पत्ती की पानी कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही कमाल का है इसे हम पानी डाल के एक ऐसा घोल बनाएंगे जैसे ये ज़्यादा थिक भी ना हो यानी ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो ज़्यादा पतला भी ना हो और इसे हम हेयर पे जब अप्लाई करें तो ये ड्रिप ना हो यानी हमारे हेयर से नीचे गिरे ना सो so गाइज़ मैं यहाँ पे विस्क का मदद ले रही हूँ और विक्स से मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी सो दैट जो छोटे छोटे लम्ब हो जाते हैं ना वो बिल्कुल भी ना रहे अभी आप हीना या मेहंदी के फ़ायदा देखोगे तो ये बहुत सारे फायदे से भरे पड़े हैं जैसे कि ये हेयर के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे स्कैल्प को इम्यूनिटी देता है और हेयर ग्रोथ में मदद करता है हेयर फॉल कम करता है एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये ऐसा करता है क्योंकि ये चेंजेस मैंने खुद देखे हैं मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है पहली बार में सो आई बिलीव कि मैं हर दो हफ्ते में इसे लगाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि मैंने इसे कितना गाढ़ा बनाया है और हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी केस अगर किसी का भी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है उसे मॉइस्चर की ज़रूरत है क्योंकि उनका बहुत रूखा सूखा सा हेयर है तो वो पानी की जगह पे मिल्क यानी दूध से भी ये बैटर को बना सकते हैं अभी इसको दो तीन घंटा के लिए हमें साइड में रखना है तो मैं क्लिंग फिल्म रैप से इसे ढक दे रही हूँ केस आपके घर में क्लिंग फ्लिंग रैप नहीं है तो आप अलूमिनियम फॉयल से कवर कर सकते हैं अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप कोई थाली प्लेट किसी भी चीज़ों से इसे ढक के दो तीन घंटे तक साइड में रख सकते हैं दो तीन घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे और आप देखेंगे ये एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जस्ट इसे ना थोड़ा सा घोल में रेस्ट मिल जाता है तो ये वर्क करने में बहुत इजी हो जाता है और उसके बाद हम इसे हेयर में अप्लाई करेंगे अगर आप लोगों ने मेरे हेयर कंडीशनर वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हेयर पे हर एक हेयर स्ट्रैंड्स पे क्रीम या मेहंदी कैसे लगाते हैं सो गाइज़ अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखाने वाली हूँ कि कैसे लगाते हैं सो so, वो आप अपने हिसाब से लगा लेना जस्ट जूड़ा बना बना के एंड मैं फ्रंट में लगा ले रही हूँ इस मेहंदी को जो बचे हुए हैं क्योंकि मैंने तो पीछे वाले हेयर्स में लगा लिए अभी मैं सामने में लगा लेती हूँ और देखिए कितने अच्छे से मैंने लगाए मैं आपको एक टिप भी दूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है तो आप ना जैसे इतना देर वेट करोगे तो कहीं पे बैठना लेटने में आपको दिक्कत होगा तो जिस क्लिंग फ्लिंग से मैंने इसे कवर किया था ना उसी क्लिंग फ्लिंग से मैं अपने हेड को भी कवर कर दूंगी हमें ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है जस्ट हमें इसे कवर करना है इससे क्या होगा कि जब हम कहीं बैठेंगे या लेटेंगे तो ये हमारे चेहरे से या गले से ड्रिप नहीं होगा उसका पानी नहीं गिरेगा और फिर ये एकदम स्टेबल्ड हो जाएगा उसके बाद हम हेयर वॉश कर लेंगे और गाइस आप मेरे हेयर पे शाइन देखिए लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी इसके कलर तो मुझे कुछ ऐसा सच नहीं दिखे और मैं चाहती भी नहीं थी कि हेना का कोई भी कलर हो बिकॉज़ आई पर्सनली डोंट लाइक हेना वाला कलर बट मैं सिर्फ उसके इफेक्ट ही चाहती थी कि वो एक अच्छा सा काम करे मैं है, मेरे हेयर पे एंड ट्रस्ट में मेरे हेयर फॉल बहुत ही कम हो गए हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने अभी सिर्फ पानी से वॉश किया है शैम्पू बिल्कुल भी नहीं लगाया है सो so गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डो नॉट फॉर टू कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो सो थैंक यू गैस फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो बाय बाय